मुझे लगता है कल से आप लोग न्यूज़पेपरों में, सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर एक खबर जोर शोरों से सुन रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महिलाओं को 40% टिकट देगी। ये घोषणा किसने की हुई है? प्रियंका गांधी ने। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में आपके विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये आप देखेंगे भारत हो गया और इसमें आप देखेंगे ये है उत्तर प्रदेश, और आप देख सकते हैं कि इसकी राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की अगर राज्य बनाने की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को एक राज्य के रूप में बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 सीटें देखने को मिलेगी, और विधान परिषद की बात करें तो 100 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा की बात करें तो 80 सीट देखने को मिलेगी, राज्यसभा की वहीं हम लोग बात करें तो 31 सीट देखने को मिलेगी। और इसीलिए आप जानते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से आप देखिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण हो जाता है, और यहां तक माना जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी की जो रास्ता है इसकी सीढ़ियां एक तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से शुरू होकर जाती है। और अगर ऐसा कांग्रेस करती है तो एक बात तो आप लोगों को भी माननी होगी कि एक चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा। और आप सभी लोग जानते भी हैं कि हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन राजनीति में आप देखेंगे भागीदारी की बात करें तो ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। तो कम से कम जो भी आगे इसका रिजल्ट क्या रहता है इसमें अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम एक अच्छा कदम आप कह सकते हैं। और अगर 403 में से आप देखिए 40% महिलाओं को सीटें दी जाती हैं तो 161 के करीब आप देखेंगे महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। और आप देखिए कि दूसरी पार्टियां भी इस तरह की बातें करेंगी, जरूर करेंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आधी आबादी को संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आजादी की हम लोग 75 साल की बात करें तो आप देखेंगे 75 साल बाद भी महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व को लेकर राजनीतिक दलों में कोई रुचि दिखाई नहीं देती है। और खासकर जो आप देखेंगे महिलाएं संसद में या आपकी विधानसभाओं में देखने को आपको मिलेंगी, वो एक तरह से आपको देखेंगे महिलाओं के मुद्दे भी नहीं उठाती होगा, वो ज्यादा बोलती भी नहीं है, वो चुनाव भी लड़ती हैं आपने देखा होगा तो अपने पति का नाम साथ में उनके जुड़ जाता है। और ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि कोई अगर पति चुनाव लड़ रहा है तो पत्नी का नाम साथ में जुड़ जाए, तो ये भी देखने को मिलता है। और अगर अभी हम लोग बात करें अपने अपने राज्य की विधानसभाओं में, आप लोग कोशिश करिए देखिए कितनी महिलाएं आपकी विधानसभा में चुनी जाती हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2019 में आपकी 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे और इसमें आप देखेंगे केवल 78 महिलाएं सांसद चुनी गई थी, जीत पाई थी, कितनी 78। अब आप ही सोचिए 543 सीटें हैं आपकी वर्तमान में, और 543 में से कितनी महिलाएं चुनी गई थी? केवल 78, यानी कि केवल 78 महिलाएं आधी से लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना भेदभाव किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र में आप देख लीजिए महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव हो, राजनीतिक भेदभाव हो, चलता रहता है। अगर हम लोग बात करें संसद में कम प्रतिनिधित्व के पीछे कारण क्या है, आखिर राजनीति में महिलाओं के पिछड़ने के कारण कौन से है, वो वजह कौन सी है जिस कारण से महिलाएं राजनीति में पिछड़ी हुई है, तो संसद में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का प्रमुख कारण समाज की पितृसत्तात्मक विचारधारा है। आप देखते हैं कि कहते हैं कि बेटी हो गई 18-20 साल 25 साल की हो गई तो शादी कर दीजिए, उसे भेज दीजिए, और आप देखिए राजनीति में कोई वो नहीं रहती दिलचस्पी। लेकिन वही आप लोग बेटों की देखिए, बाप के बाद बेटा राजनीति ही करेगा, और इसके आप लोगों को देश भर में कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक विचारधारा का है, लेकिन धीरे धीरे ये बदल रहा है, और इसमें आप देखिए सभी को भागीदार होना पड़ेगा तभी बदल सकता है। जहां पुरुषों को राजनीति करने और शासन करने की योग्य समझा जाता है, वहीं महिलाओं को घरेलू कार्य करने के लिए बाधित किया जाता है। आप देखिए कि राजनीति की हो या शासन कहीं की भी बात हो तो उसमें आप देखेंगे इतिहास भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे लगता है बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, तो इतिहास में भी आप देखेंगे कम ही आपको महिला शासिकाएं या शासन करने वाली राजा के रूप में कम ही देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ा एक कारण ये भी है, महिलाओं को राजनीति में रुचि ना होना भी एक प्रमुख समस्या रही है जो महिलाओं को राजनीति में आने से रोकती है। अभी आप देखिए पुरुषों की बात कर लीजिएगा,
अधिकतर पुरुष कहेंगे कि हमें राजनीति में जाना अच्छा लगता है। वहीं आप लोग महिलाओं की बात करिएगा तो उसमें भी आप लोगों को इनकी रुचि कम देखने को मिलेगी। महिलाओं को नीति निर्धारण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने के पीछे निरक्षरता भी एक बड़ा कारण है, जिन्हें राजनीतिक अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं हो पाती है। आप देखिए, शिक्षा के बारे में भी आप सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का कोई टॉपिक पर बात होती है, अगर आप लोग जमीनी स्तर पर से जुड़े हुए हैं तो आप बेहतर तर्क भी दे सकते हैं, और अगर कहीं आंसर लिखने के लिए आता है या निबंध लिखने के लिए आता है तो आप बेहतर फैक्ट भी वहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं किस तरह से, आप अपने ही घर में देख लीजिए बेटियों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है। आप देखिए स्कूलों में देख लीजिए आप लोग, कितनी महिलाओं को आगे बेटियों को पढ़ने दिया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो एक कारण ये भी है। राजनीतिक दल प्रतिनिधियों के चयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो महिला उम्मीदवारों के बजाय पुरुषों को बढ़ावा देना पसंद करते हैं क्योंकि वे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा हो राज्यसभा हो, कई बार ये बिल आया हुआ है लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया है। आप समझ सकते हैं कि पुरुष एक तरह से वर्चस्व है वहां सबसे ज्यादा। महिलाएं सुरक्षा के मुद्दों के कारण बाहर कार्य करने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, जो महिलाओं को राजनीति से दूर दूर भेजती हैं। एक तरह से महिलाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। जागरूकता व प्रोत्साहन की कमी के कारण भी महिलाओं की भागीदारी कम होती है। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि आप सोचिए राजनीति में महिलाओं के पिछड़ने के कारण क्या है, या फिर आपसे पूछे कि राजनीति में कम महिलाएं क्यों दिखती हैं, इसके कारण क्या है, तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग याद रख लीजिएगा, इन्हें आप लोग वहां डाल सकते हैं या वहां बता सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं की आवश्यकता की बात करें तो वैश्विक आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। एक संगठन का भी उल्लेख किया गया है, इसे भी जान लीजिए, विश्व आर्थिक मंच की बात की जा रही है। तो आपको बता दूं कि इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ये एक रिपोर्ट जारी करता है, एक इंडेक्स जारी करता है, इसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और इसमें आप देखेंगे कि महिलाओं को लेकर एक तरह से प्रतिनिधित्व की बात करता है कि किस राज्य में किस देश में कितनी महिलाएं संसद में या राज्य विधानमंडल में शामिल हैं। अगर इसमें आप देखेंगे भारत में 156 में टोटल 156 देशों को शामिल किया गया है इसमें, और भारत का नंबर कौन सा है, 140वां। आप लोग इस तरह से इसे ले सकते हैं, मान लीजिए कि आपकी क्लास में 156 बच्चे हैं, उसमें से आप देखिए कि आपका 140वां स्थान है, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति आपकी है, ठीक है। और विधायिकाओं में पुरुषों के बराबर महिलाओं की पूर्ण सक्रिय भागीदारी न केवल अपने आप में एक लक्ष्य बल्कि लोकतंत्र निर्माण उसे बनाए रखने के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का सर्वांगीण और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व जीवंत और मजबूत लोकतंत्र के लिए सर्वोत्कृष्ट तत्व भी है। एक बात आप ये जान लीजिए, आप सोचिए कि आप लोग महिलाओं की समस्याएं क्या है, महिलाओं के लिए कौन सी नीतियां बनाना चाहिए, कौन से कार्यक्रम लाना चाहिए। इसे मुझे लगता है कि जितनी अच्छी तरह से महिलाएं समझ सकती हैं उतना पुरुष नहीं समझ सकते हैं, और इसीलिए आप देखिए कि महिलाओं की संसद हो या फिर आप देखिए संसद में या राज्य विधानमंडलों में जरूरत होती है। महिलाओं की समस्याओं को महिलाएं ही बेहतर समझ सकती हैं, और आप देखिए 78 महिलाएं फिर भी हैं, लेकिन आप देखते हैं देश भर में किसी भी महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है या महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसका मुद्दा ये महिलाएं भी नहीं उठाती हैं। ये भी एक तरह से आप कहिए कि आप समझ सकते हैं कि बुरी हालत है, और इसलिए कहते हैं कि महिलाओं के दुश्मन महिलाएं ही हैं। आप देखिए इतने उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुए, इतने सारी घटनाएं हुई, इसके बाद भी आपने देखा है कि संसद में महिलाओं ने कोई मुद्दा नहीं छेड़ा हुआ है। अगर वहीं हम लोग महिलाएं पुरुषों की तुलना में चिंताओं के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं, महिलाओं को अधिक कार्य करने के लिए देखा जाता है, विश्वास स्वच्छता शिक्षा आदि को प्राथमिकता देती हैं। और आप अपने घर में ही देख लीजिए, अपनी माँ को देख लीजिए, या अपने घर में जो भी महिला है, आप देखते होंगे सुबह 4-5 बजे से उठ जाती है और रात में 10-11 बजे तक काम करती रहती है, मेहनती भी होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि जिस देश में महिलाओं ने शासन किया है वो देश आगे बढ़ा है,
महिलाएं बेहतर आप कह सकते हैं शासन करना जानती हैं, अगर उन्हें आप देखिए कि एक तरह से मौका मिले तो। अगर हम लोग महिला आरक्षण बिल की बात करें तो महिला विधायकों के प्रवेश में बाधाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि वे कई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और संस्थागत संरचनात्मक मुद्दों से जूझती हैं, और इन चुनौतियों से पार जाने का एक तरीका आरक्षण भी है। महिला आरक्षण विधेयक 2008, 108वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान शामिल था, जिसे राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था परंतु लोकसभा के द्वारा लंबित कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि 2008 में एक ऐसा विधेयक आया हुआ था जिसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात की गई थी, लेकिन ये क्या हुआ कि ये आप देखिए कि राज्यसभा में तो पारित हो गया लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो सका। और आप लोग अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया था, कई बड़े राजनेताओं ने इस बिल का विरोध किया था, क्योंकि उनकी सोच उस तरह की है। ठीक है, अगर हम लोग इसके पक्ष में तर्क की बात करें कि आखिर महिलाओं के राजनीति में भागीदारी की बात कर रहा हूं, महिला आरक्षण विधेयक निश्चित रूप से आशाजनक है। महिला आरक्षण विधेयक समतावादी और लिंग न्यायपूर्ण समाज के लिए अनिवार्य है। विधेयक के पारित होने से निश्चित रूप से महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आने में मदद मिलेगी और इसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ेगा। समय की मांग है कि भारत जैसे देशों में मुख्य धारा की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं को भागीदारी के समान अवसर मिलने चाहिए, जिससे असमानता को समानता में परिवर्तित किया जा सके। और आपसे पहले भी मैंने कई बार बोला हुआ है कि आप देखिए कि एक अगर पुरुष पढ़ता है तो वो केवल अपने तक शिक्षा रखता है, लेकिन आपने सुना होगा कि जब एक महिला किसी परिवार में पढ़ती है तो पूरे परिवार को साक्षरता प्रदान करती है। एक तरह से आप देखिए जो आने वाले बच्चे होंगे उन्हें भी शिक्षा देती रहती है, तो एक बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि देखिए 50% आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 33% दे दीजिए। वैसे तो आपको आना चाहिए कि आधा आधा होना चाहिए, क्योंकि आधी लगभग उनकी संख्या है, आधी पुरुषों की संख्या है, तो उनकी भी भागीदारी 50% होनी चाहिए। और देखिए जब तक इस तरह की कोई नियम कानून इस तरह की आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती है तब तक आप देखिए कि उन्हें भागीदारी उनकी नहीं मिल पाएगी। अगर हम लोग विपक्ष में इसकी तर्क बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में बोलते रहते हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में बोलते रहते हैं, और विपक्ष के लोगों के बोलने के कारण ही आप कह सकते हैं कि ये बिल अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। महिलाओं का राजनीति में प्रवेश से वंचित करना लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक समाज को बढ़ावा देगा। महिलाओं को राजनीति में कमजोर बताए जाने के लेकर तर्क दिए जाते हैं कि महिला कैंडिडेट के जीतने की उम्मीद बहुत कम होती है, और महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होने से ऐसे योग्य उम्मीदवार पीछे छूट जाएंगे जो नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। तो ये विपक्ष में तर्क भी दिए जाते हैं, और मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि जब आप सिविल सर्विस की हो या स्टेट पीसीएस मुख्य परीक्षा में आंसर लिख रहे हो या फिर आप लोग निबंध लिख रहे हो, तब आपको तर्क भी कुछ इसके पक्ष में भी देने पड़ते हैं, कुछ विपक्ष में भी देने पड़ते हैं। तो ये आपके लिए हो गए। महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए नए विचार क्या है? महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रमुख साधन है जिसे बढ़ावा देना चाहिए। स्टैंड अप योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से होना चाहिए। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कृषि, वाणिज्य एवं सामाजिक कल्याण विकास मंत्रालय को समन्वित प्रयास को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। संस्थागत, सामाजिक और व्यवहारात्मक विचारों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और हाल ही में पंजाब में पंचायत चुनाव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए 33% आरक्षण को सुनिश्चित कर दिया गया है, और इसी प्रकार आपको पूरे भारत में लागू होना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक स्तर पर महिला सशक्तिकरण और उनकी समुदाय के भागीदारी के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आदि गुणों का विकास हो सके। महिला आरक्षण विधेयक को अधिनियमित कर महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में समानता के साथ शामिल होने का अवसर प्रदान करना चाहिए। आगे की अगर राह की बात करें तो आधुनिक भारतीय राजनीति में कई ऐसी महिलाएं रही हैं जिनकी ऐतिहासिक भूमिका से हम भली भांति परिचित हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान से लेकर आजाद भारत में सरकार चलाने तक में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका और पहल मुख्य रही है। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि किसी राष्ट्र की प्रगति का
सर्वोत्तम थर्मामीटर वहां की महिलाओं की हमें महिलाओं की ऐसी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से खुद सुलझा सके। और मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि महिलाएं कमजोर होती है, उनके लिए एक उदाहरण तो है इंदिरा गांधी। आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी से टक्कर पाकिस्तान ने ली, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे। आप सभी जानते हैं 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक नया देश उभर के आया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो मुझे नहीं लगता, आज़ादी में आप देख लीजिए रानी लक्ष्मीबाई, उस समय तो आप देखिए कितना पितृसत्तात्मक सोच थी लोगों की, बेटियों को घर से तक नहीं निकलने दिया जाता था। उस समय आप देखिए कि अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं लगता है। और देखिए अगर ये चुनावी स्टैंड है, चुनावी राजनीति का हिस्सा है और लोग अगर ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे अगर उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं। और देश तभी प्रगति कर पाएगा जब सभी को भागीदारी मिलेगी। चलिए इसके इस तरह के जो भी टॉपिक रहते हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रख लिया करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ लेता है।